नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस घर में ये पांच चीज़ें होती है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का निवास रहता है और उस घर से गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, अगर आप ही कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएँ। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए ताकि पृथ्वी पर धर्म को कायम रखकर वो मनुष्यों की मदद कर सके। इन्हीं में से एक था उनका अवतार श्री कृष्ण अवतार। इस अवतार ने पता नहीं कितने असंख्य लोगों को प्रभावित किया है। दोस्तों, त्रेता युग में आए भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही उदाहरणों से भरा है और समय आने पर वो अपने भक्तों की रक्षा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। वो भी हम सभी के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, पुराने समय में साधु संतों ने कृष्ण भगवान के उपदेशों को लिखित रूप दिया, जिसका साक्ष्य आज भी मौजूद है। वे जरूरतमंदों के लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों को बताया था कि जिस घर में ये पांच चीज़ें होती है उस घर में कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं रहती है, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का निवास रहता है, उस घर में सदैव सुख समृद्धि और शांति और सकारात्मकता का निवास रहता है, उस घर के सदस्यों के बीच हमेशा प्रेम भरा रहता है। सबसे पहला कार्य है कि जिस घर में दोस्तों सुबह शाम दीपक जलता है, देसी घी का दीपक जलता है, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का निवास रहता है। प्राचीन समय से अपने परिवार के कुल देवी या देवता के सामने दीपक जलाने की प्रथा चली आ रही है। जहां कुछ लोग शाम के समय दिया जलाना सही मानते हैं तो कई लोग सुबह के समय दिया जलाना शुभ समझते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति को सुबह और शाम दोनों वक्त घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे घर में निर्धनता नहीं आती है। घी का दीपक आप अपने कुल देवता के सामने भी लगा सकते हैं, आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने भी घी का एक दीपक लगा देते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर होती है और जहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो दोस्तों उस घर की जिंदगी भर चिंता खत्म हो जाती है। वहाँ पर स्वयं माता लक्ष्मी दौलत से उस घर को भर देती है। दोस्तों, दूसरा कार्य भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमारे लिए मेहमान भगवान के समान होता है। अतिथि देवो भव का हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत पुराना कहावत है और दोस्तों अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है। उनका पूरा मान सम्मान हमें करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमारे घर आए तो उसे सबसे पहले पानी पीने के लिए देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी प्यासे की दुआ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। किसी भी तपस्वी व्यक्ति का आशीर्वाद लें उससे ज़्यादा प्यासे व्यक्ति का आशीर्वाद लें दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए कोई भी घर आए, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो, दोस्तों घर आए मेहमान को पानी दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अशुभ होने पर मेहमानों को पानी पिलाने से दोस्तों कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन अगर हम आम जिंदगी में पानी पिलाते हैं तो हमें उसका बेहद ही ज़्यादा लाभ मिलता है। और दोस्तों यकीन मानिए, पानी पिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, इसीलिए प्यासे को पानी जरूर पिलाइए। अगला जो कार्य भगवान श्री कृष्ण ने बताया है वो है दोस्तों साफ सफाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में साफ सफाई होती है, जिस घर में सुगंधित धूप बत्ती का सुबह शाम लगाया जाता है, जिस घर से महकती हुई खुशबू आती है, उस घर में सदैव देवी देवताओं का निवास होता है और उस घर में दोस्तों सफाई के साथ साथ एक खास चीज़ है जो हमें रखनी चाहिए, वो है दोस्तों शहद। जी हाँ दोस्तों, शहद जो है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। घर में शहद रखना ही चाहिए। शहद भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, ये घर की सबसे साफ सुथरी जगह पर रखें। शहद से पूरे घर में सकारात्मकता का प्रवाह होता रहता है।
साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद करता है। और सुबह शाम घर के जो सदस्य हैं अगर वो शहद खाते हैं दोस्तों, तो उनको सकारात्मकता उनके शरीर में प्रवेश करती है और जिससे सकारात्मकता विचार आते हैं सकारात्मक, और वो व्यक्ति बहुत जल्द सफल होते हैं। अगला जो कार्य बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, वो है दोस्तों पवित्र तिलक। माना जाता है कि तिलक जो होता है ये भारतीय संस्कृति का, जहाँ से सनातन धर्म शुरू हुआ है वहीं से तिलक शुरू हुआ है। तिलक दिमाग को शांत और स्थिर रखता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को अपनी राशि या जन्म कुंडली के अनुसार सिंदूर, चंदन आदि का तिलक लगाना चाहिए। दोस्तों आप भी किसी ज्योतिष की मदद लेकर अपने लिए उत्तम तिलक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये लंबी अवधि में प्रभावशाली साबित होगा और घर से गरीबी दूर रखने में मदद करेगा। और दोस्तों जिस घर में तिलक होता है, जिस घर में सुबह शाम एक दूसरे को राम राम, जय श्री कृष्ण और राधे राधे का कहकर अभिवादन होता है, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का निवास रहता है, उस घर में भगवान श्री हरि विष्णु का निवास रहता है। अगला जो कार्य श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्णा ने बताया है दोस्तों, कि माँ लक्ष्मी जो है वो अपनी जो तस्वीर के साथ साथ जिस घर में माँ सरस्वती की वीणा होती है या माँ सरस्वती की तस्वीर होती है, उस घर में सदैव सुख समृद्धि रहती है। आम तौर पर दोस्तों वीणा को घर में सजावट के सामान की तरह रखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि घर में वीणा रखने से अपने किसी भी प्रोजेक्ट को वक्त पर पूरा करने में मदद मिलती है। आपके सभी आर्थिक और गैर आर्थिक काम वीणा की मौजूदगी के कारण दोस्तों कामयाब हो जाते हैं। जिस घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ माता सरस्वती का निवास होता है दोस्तों, वो घर नित नई ऊंचाइयों को छूता है। उस घर के सदस्य अपनी जिंदगी में नई नई ऊंचाइयों को छूकर सफल होते हैं। तो दोस्तों ये थे वो कार्य जिन कार्यों को भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि ये चीज़ें जिस घर में होती है वहाँ पर कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण लिखकर भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले सूचना आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।